लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। नॉर्मल स्ट्रेस का इक्वेशन निकाले थे, शियर स्ट्रेस का इक्वेशन निकाले थे इन टर्म्स ऑफ थीटा। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस अंडर कंबाइंड स्ट्रेसेस। कंबाइंड स्ट्रेसेस का मतलब ये है सिग्मा एक्स हो गया, सिग्मा वाई एक से ज़्यादा स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। इसको कैसे निकालेंगे? या तो हम शियर स्ट्रेस के इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट करके निकालेंगे, या नॉर्मल स्ट्रेस का जो इक्वेशन था उसको डिफरेंशिएट करके निकालेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, जो शियर स्ट्रेस का इक्वेशन है जो कि हमने देखा था पिछले क्लास में, ये इक्वेशन आया था उसको इक्वेट करेंगे और इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। तो टाउ एस इक्वल टू, जो जब जीरो पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा इक्वल टू टाउ एक्स वाई कॉस टू थीटा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है टैन टू थीटा इक्वल टू टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। यहाँ पे दो एंगल मिलेगा हमको टू थीटा का, तो मान लेते हैं थीटा वन क्या है, यहाँ पे थीटा है, और थीटा टू क्या मिला हमको, थीटा डैश। ये जो एंगल रहते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, लोकेशन ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस प्लेन, या लोकेशन ऑफ मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे होता क्या है ये। अब जैसे कि हमको यहाँ पे दो एंगल मिल जाएगा, हमारा काम क्या रहेगा, सिग्मा नॉर्मल जो हमने इक्वेशन पढ़ा था, क्या इक्वेशन आया था हमारे पास डिराइव करने के बाद, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, ये हमने डिराइव किया था। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, सिग्मा वन थीटा वन इक्वल टू थीटा, और ये इक्वेशन कॉस टू थीटा की जगह क्या हो जाएगा, कॉस टू थीटा वन, और थीटा वन मतलब थीटा। सिमिलरली थीटा टू इक्वल टू क्या पुट करेंगे, थीटा डैश। तो हमारे पास दो इक्वेशन आएगा, एक थीटा वन इक्वल टू थीटा पुट करने पर ये आएगा, और थीटा डैश पुट करने पर ये आएगा। तो इस कंडीशन के लिए हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है सिग्मा एन, और थीटा टू इक्वल टू थीटा डैश पुट करने पर नॉर्मल इक्वेशन नॉर्मल स्ट्रेस है हमारे पास सिग्मा एन डैश। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये क्या हो गया, सिग्मा वन हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो ये क्या होगा, लार्जर ऑफ सिग्मा एन थीटा इक्वल टू थीटा और सिग्मा एन डैश थीटा इक्वल टू थीटा डैश। इसमें जो लार्जर रहेगा इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखेंगे हम, तो जो इसमें से बड़ा रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और जो स्मॉलर रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिग्मा टू क्या हो जाएगा, स्मॉलर ऑफ सिग्मा एन थीटा इक्वल टू थीटा और सिग्मा एन डैश थीटा इक्वल टू थीटा डैश। तो जो स्मॉल रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये एक मेथड है जिससे हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। हमारे पास एक और मेथड है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। अभी इसको हम एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं, एग्जांपल से क्या होगा ये। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस एंगल पे, जैसे यहाँ पे थीटा वन इक्वल टू थीटा है, जिस एंगल पे हमको मेजर या मैक्सिमम स्ट्रेस मिल रहा है वो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, लोकेशन हो जाएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए, और जिस एंगल पे हमको माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल रहा है वो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ माइनर प्रिंसिपल प्लेन या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। यहाँ पे थीटा वन इक्वल टू थीटा डैश क्या हो जाएगा, मान लेते हैं लोकेशन ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, यहाँ पे हमको मैक्सिमम मिल रहा है, और थीटा टू इक्वल टू थीटा क्या हो गया, लोकेशन ऑफ माइनर प्रिंसिपल प्लेन या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जहाँ पे हमको स्ट्रेस मिनिमम मिल रहा है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर सिग्मा एन थीटा इक्वल टू 100 मेगा पास्कल है और सिग्मा एन डैश थीटा डैश इक्वल टू माइनस 200 मेगा पास्कल है,
तो यहाँ पे सिग्मा वन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, लार्जर लार्जर ऑफ इन मैग्नीट्यूड क्या होगा, कौन है लार्ज इसमें, ये हो गया सिग्मा एंड थीटा इक्वल टू थीटा, और सिग्मा एंड डैश थीटा टू इक्वल टू थीटा डैश। तो ये हमारे पास 100 है इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू क्या है, -200। तो सिग्मा वन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में देखना है, माइनस प्लस क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, तो मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा, यहाँ पे -200 मेगा पास्कल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और ये कौन से एंगल पे मिल रहा है हमको, थीटा डैश पे। तो थीटा डैश क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिमिलरली सिग्मा टू क्या हो जाएगा, स्मॉलर ऑफ सिग्मा एन थीटा वन इक्वल टू थीटा, और सिग्मा एन डैश थीटा टू इक्वल टू थीटा डैश। तो स्मॉलर हमारे पास कौन सा है, यहाँ पे स्मॉलर क्या है, 100 है, 100 मेगा पास्कल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये हो जाएगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस या मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। और ये कौन से एंगल पे मिल रहा है हमको, थीटा वन इक्वल टू थीटा पे। तो ये थीटा क्या हो गया, लोकेशन ऑफ माइनर प्रिंसिपल प्लेन या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये तो मेरे ख्याल से आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बहुत इजी मेथड है। नेक्स्ट क्लास में हम एक और मेथड पढ़ेंगे जिसमें डिराइव करना है, और सेम हम सिग्मा वन और सिग्मा टू का वैल्यू निकालेंगे। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।